दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ 3 kg, 3 kg आप मार्जिन तोल ले, मार्गो का मार्गो बटर भी आप जिसे कहते हैं। उसके बाद मैदा लिया है मैंने 5 kg, आइसिंग शुगर लिया है 2600 और टूटी फ्रूटी 1600 ग्राम ले लिया है। उसके बाद दोस्तों आप डावर्स का एक कॉन्सनट्रेट रस्क पाउडर ले ले 1 kg। दोस्तों सबसे पहले मैंने इसमें मैदा और बटर डाल के चलाया है और मैदा और बटर डाल के मैंने इसको चला दिया है। उसके बाद जब ये थोड़ी चल जाए, फिट जाए, उसके बाद इसमें डावर्स का पाउडर डाल दे कॉन्सनट्रेट का 1 kg और फिर चालू कर दे। चालू दोस्तों जब ये फिट जाए, फिर से अच्छी तरीके से फ्लो आ जाए, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करने, थोड़ी थोड़ी समय पर इसको जो है हाथ से जो है चला चला के नीचे से निकाल लेनी है, चलाते हाथ इसमें मारते रहना है ताकि ये जो है नीचे से हमारे कुछ बटर जमे ना रह जाए, अच्छे से मिक्स होते जाए। इसके लिए इसमें हाथ समय समय पर मारते रहें। दोस्तों इसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है और 100 ग्राम यहाँ पे मैंने ग्लूकोज पाउडर लिया है। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे जो रस्क है वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही समय लग जाता है। मैं खासकर आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों अब मैंने इसमें चेरी डाल दिए हैं, चेरी आइसिंग शुगर इसी वक्त आपको डालनी है। और उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है, देख लीजिएगा, समय आप देखते रहिएगा दोस्तों मैं क्या और कब डाल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। अब मैंने सारे मटेरियल डाल दिए हैं, अब इसको मैंने लास्ट मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आप थोड़ी सी तेल जो 900 ग्राम लिया है आपने उसको आप डाल दें, इसमें 900 ग्राम तेल आपको डाल के फिर से स्टार्ट कर देनी है। दोस्तों नॉर्मल स्पीड पहले चलानी, उसके बाद फास्ट आपको स्पीड में चलानी है 2 से 3 मिनट। आप देखते रहिएगा जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तभी इसको निकालिएगा। मैंने इसको इस वक्त हाई स्पीड पे कर रखा है, आप देख सकते हैं। शुरुआत में आपको नॉर्मल स्पीड रखनी है, उसके बाद ही हाई स्पीड करनी है, ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों जब ये अच्छी तरीके से मेरी मिक्सिंग हो चुकी है, मैं इसे निकाल ले रहा हूँ। निकालने के बाद दोस्तों आप ट्रे में इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप ट्रे में लगा ले, आपके पास जो ट्रे है वैसी ले लें। बाद आप इसे 165 डिग्री सेल्सियस पर 35 से 40 मिनट के लिए पकने डाल दें। दोस्तों मैंने इसको पका लिया है, पकने के बाद आप इसको क्या करें, 6 घंटे के लिए पहले तो रेस्ट में डाल लें। जब ये 6 घंटा इसका पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों अब मेरा इसका जो है 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैंने इस तरीके से इसके छोटे छोटे साइज में 4-4 इंच के साइज में काट लिए, ट्रे में से निकाल करके इसको आप देख ले, मैंने इस तरीके से काटे हैं थोड़ी थोड़ी। आपको जो साइज़ चाहिए, जितनी अगर लंबाई चाहिए ज़्यादा तो फिर आप कर सकते हैं उस हिसाब से लंबी ज़्यादा काट ले। दोस्तों मैंने चौड़ाई वैसे यहाँ पे 4 इंच ही लिया है, आपको ज़्यादा चौड़ी चाहिए तो आप उस हिसाब से काट सकते हैं इसको। अब दोस्तों मैं इसको कटिंग करने जा रहा हूँ, कटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आपको जैसी साइज चाहिए, मोटाई आप दोस्तों इतनी रखें क्योंकि इस तरह की मोटाई जो है काफ़ी अच्छी रहती है रस के लिए, आप यही मोटाई रखिएगा। बहुत ही सुंदर दोस्तों ये देखने में लग रही है, इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों जब ये पक जाएगी तब आप देखिएगा कितनी सुंदर लगती है, खाने में आप कहिएगा कि वाह क्या खाया है मैंने। दोस्तों अब मैंने इसको काट लिया है और काटने के बाद दोस्तों ट्रे में लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कैसे लगा रहा हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी साइज पे दोस्तों हल्की सी स्पेस छोड़ते हुए आप इसे थोड़ी थोड़ी जगह देते हुए इस तरह से ट्रे में लगा लीजिएगा। दोस्तों ट्रे में आप अच्छे से लगाइएगा, ज़्यादा इसको
चिपका के मत लगाइएगा, थोड़ी स्पेस जरूर रखिएगा। अब हम इसे दोबारा पकाएंगे। दोस्तों इस तरह के वीडियो और रेसिपी केक पेस्ट्री कुकीज स्नैक्स से रिलेटेड रेसिपी में डालते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा हमारे, ताकि हमें सपोर्ट मिले। दोस्तों अब मैं इसको पकने के लिए डाल रहा हूँ। ओवन में आप हीट सेट कर लीजिएगा, 200 डिग्री टेम्परेचर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों 200 डिग्री पे आपको इसको लगानी है 20 मिनट के लिए। और हाँ, जब आप 15 से 20 मिनट होने वाले हो तब आप निकाल के जरूर चेक करते रहिएगा बीच में। दोस्तों मैंने इसे पका लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बनी है ये। पकने के बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं, आधे घंटे ठंडे होने तक रख दे, उसके बाद ही आप खाए, अच्छी और क्रिस्पी लगेगी। दोस्तों खाने में इतने अच्छे लगेंगे कि आप इसको हर बार खाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो। सोचिए मत दोस्तों, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।